इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एस्प्रेसो ऐप से कितने तरीके के ऑर्डर्स आप प्लेस कर सकते हो। पहला है लिमिट ऑर्डर, दूसरा मार्केट ऑर्डर, तीसरा स्टॉप लॉस मार्केट एंड स्टॉप लॉस लिमिट। अब मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा ऑर्डर प्लेसमेंट करने से पहले। मान लीजिए कोई एक स्क्रिप्ट है जिसका भाव 100 रुपया चल रहा है। अगर आपको मार्केट रेट पे लेना है या बेचना है तो आप मार्केट ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। अगर आपको मार्केट रेट के नीचे लेना है या मार्केट रेट के ऊपर बेचना है तो आप लिमिट ऑर्डर यूज कर सकते हो। सो अगर मुझे 95 पे बाई करना है तो मैं लिमिट ऑर्डर रखूंगा 95 का, और अगर मुझे 105 पे बेचना है, 100 रुपया चल रहा है बेस, ये चीज याद रखें करंट प्राइस क्या है उसके बेसिस पे आपका बाय लिमिट ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेल लिमिट ऑर्डर क्या होना चाहिए वो डिपेंड करता है। तो बेस जो है वो LTP है। सो अगर मुझे बाय करना है 95 पे तो मैं लिमिट ऑर्डर रखूंगा 95 का, और अगर मुझे सेल करना है 105 पे तो मैं लिमिट ऑर्डर रखूंगा सेल का 105 पे। इसके अलावा तीसरे तरीके के जो ट्रेडर्स है, जो तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया स्टॉप लॉस मार्केट एंड स्टॉप लॉस लिमिट, अगर आपको 105 पे बाय करना है, अभी चल रहा है 100 रुपया, 105 पे आपको बाय करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो जब तक वो 105 नहीं आता तब तक आप उसे कॉन्स्टेंटली बार बार स्क्रिप्ट को चेक करते रहिए, प्राइस चेक करते रहिए, 102, 103, 104, 105 आया कि नहीं आया, तो घड़ी घड़ी आप उसे देखते रहिए। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप स्टॉप लॉस मार्केट स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। उसमें एक ट्रिगर फैसिलिटी दी जाती है, जब वो प्राइस आपने ट्रिगर प्राइस डाल दिया सपोज 105 का, जब वो 105 आ गया तब वो आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा। तो चलिए देखते हैं ये सारे ऑर्डर्स कैसे प्लेस किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वॉचलिस्ट में एक स्क्रिप्ट ऐड करके रखी हुई है SBI, उस पर मैंने टैप किया, बाय सेल दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, मैं बाय पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करूँगा तो ये ऑर्डर फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सब ऑप्शंस मिल गए, मार्केट ऑप्शन है, लिमिट ऑप्शन है, स्टॉप लॉस मार्केट, स्टॉप लॉस लिमिट। सबसे पहले मैं ये मार्केट पे बाय करना चाहूँगा। मार्केट रेट देखिए 192.50 चल रहा है, तो मार्केट रेट पे मैंने बाय कर दिया, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, कंफर्म किया, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे आपको एक पॉपअप आ गया, यहाँ से आप ऑर्डर बुक पे भी जा सकते हो, तो ये देख सकते हो ऑर्डर बुक में चला गया, यहाँ पे SBI का ऑर्डर आ गया, एक क्वांटिटी मार्केट रेट पे ही एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, वापस मैं वॉचलिस्ट में जाऊंगा, वापस बाय SBI। अब मुझे लिमिट ऑर्डर डालना है 190 पे, मुझे बाय करना है और मुझे 190 पे बाय करना है, तो मैंने यहाँ पे लिमिट सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे प्राइस डाल दिया मैंने 190 रुपये का। ये ऑर्डर आपका पेंडिंग रहेगा, 190 आएगा आज के दिन में तो आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, बाद में मैंने जो तीसरा ऑप्शन आपको बताया था कि अगर ये 105 जो मैंने एग्जांपल बताया था कि 100 रुपये चल रहा है 105 के ऊपर जाएगा तब आपको बाय करना है, तो ये तीसरा ऑप्शन है स्टॉप लॉस लिमिट या स्टॉप लॉस मार्केट, जहाँ पे आपको ट्रिगर फैसिलिटी दी जाती है। तो ये स्टॉप लॉस लिमिट या स्टॉप लॉस मार्केट आप सिलेक्ट करो तो यहाँ पे नीचे आपको और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रिगर प्राइस। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको ट्रिगर प्राइस ही डालना है, डिस्क्लोज क्वांटिटी आपको डालना है, आप डाल सकते हो, नहीं डालना है नहीं डाल सकते। सो ये 192 चल रहा है, मुझे ट्रिगर डालना है 195 का, मतलब जब स्क्रिप्ट 195 आएगा उसके बाद ये ऑर्डर ट्रिगर होगा, और मैंने मार्केट से लेके स्टॉप लॉस मार्केट से लेके, तब 195 ट्रिगर होने के बाद जो भी मार्केट रेट रहेगा उस रेट पे आपका ये ऑर्डर बाय हो जाएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस लिमिट सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे ऊपर आप लिमिट सेट कर सकते हो 195 और 195 के ऊपर। तो ये मैं ऑर्डर भी प्लेस कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ऑर्डर बुक में जाके आप देख सकते हो ये पेंडिंग है, और यहाँ पे लिखा रहा है स्टेटस के नीचे आप देख सकते हो ट्रिगर प्राइस एट 195, तो 195 आने के बाद ये आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा और 195 पे ऑर्डर आपका पेंडिंग होगा। अगर वो टाइम पे स्क्रिप्ट शेयर्स अवेलेबल है तो 195 पे बाय भी हो जाएगा। तो तीन ऑर्डर्स मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, एक मैंने मार्केट ऑर्डर बताया, एक मैंने आपको लिमिट ऑर्डर बता दिया, और एक मैंने आपको बता दिया ट्रिगर प्राइस वाला ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट वाला ऑर्डर। सो अब ये जो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है SBI का एक क्वांटिटी, अब उसे मुझे बेचना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कैसा ऑर्डर प्लेस करना होगा। तो सबसे पहले आप पोजिशन रिपोर्ट पे जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो SBI का एक क्वांटिटी मेरा बाय ओपन है 192.60 के रुपीज 60 पैसे पे, और अभी चल रहा है 192.75 पे। तो यहाँ पे आपको अभी दो ऑप्शन है, आपको बेचना है
मान लीजिए मार्केट रेट पे, तो सीधा आप सिलेक्ट कीजिए स्क्वायर ऑफ NSA, स्क्वायर ऑफ BSA सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आप मार्केट टाइप कीजिए और ये आपका ऑर्डर मार्केट रेट पे चला जाएगा। अगर आपको बेचना है मान लीजिए ऊपर के भाव पे, अभी 192 चल रहा है, आपको बेचना है मान लीजिए 195 या 200 पे, तो आप लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए 200 का। ओके, सिंपल है। और अगर आपको बेचना है जब ये स्क्रिप 190 के नीचे आ जाए, तो मुझे ये लॉस जो है बुक करके निकल जाना है इसमें, तो आप स्टॉप लॉस मार्केट या स्टॉप लॉस लिमिट सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस मार्केट डाल दिया 190 का। ओके, सो जब 190 आएगा तब मेरा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे PSE में मैंने सेल डाल दिया है और ऑर्डर जो है पेंडिंग है, ट्रिगर प्राइस 190, यानी कि मैंने बाई कितने पे किया था, 192.60 मार्केट रेट पे मैंने बाई किया था, उसको मैंने क्या किया, मैंने स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया। तो या तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हो, या तो आप मार्केट पे बेच सकते हो, या तो फिर आप ऊपर का प्राइस जो है 195, यानी कि वो प्रॉफिट प्राइस जैसे कहेंगे हम लोग, तो 195 या 196 लगा के आप लिमिट ऑर्डर लगा के आप छोड़ सकते हो। अब हम देखते हैं माय गुड टिल डेट ऑर्डर्स। जो SBI का मैंने एक पेंडिंग ऑर्डर रखा था 190 पे, जो लिमिट ऑर्डर लगा के रखा था, अगर आज 190 नहीं आया तो ये ऑर्डर क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो कल वापस मुझे 190 पे पेंडिंग ऑर्डर डालना पड़ेगा, डेली बेसिस पे मुझे 190 पे पेंडिंग ऑर्डर डालना पड़ेगा। अब इसका ऑप्शन ये है कि आप माई गुड टिल डेट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ये कैसे कर सकते हो आप, आपको व्यू मोर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वैलिडिटी आ गया, GFD यानी कि ये ऑर्डर सिर्फ आज के लिए वैलिड होगा, IOC यानी कि इमीडिएट, अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो गुड, नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा इमीडिएटली। और तीसरा ऑप्शन है माय गुड टिल डेट, माय GTD। जैसे ही आप माय गुड टिल डेट पे क्लिक करते हो एक कैलेंडर ओपन हो जाता है और बाय डिफॉल्ट एक महीने आगे का डेट यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है। तो ये 6 November का डेट यहाँ पे सिलेक्टेड है, यानी कि ये ऑर्डर आपका वैलिड होगा टिल 6 November। 190 अगर 6 November तक आ गया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, अगर नहीं आया तो ये ऑर्डर 6 November के बाद एक्सपायर होगा, यानी कि आपको एक महीने तक ये ऑर्डर वापस डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आप कर सकते हो, कल जाके आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो अभी तक हमने देखा एक सिंगल ऑर्डर बाय कैसे करते हैं और सिंगल ऑर्डर को सेल कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एडवांस ऑर्डर यानी कि ब्रैकेट ऑर्डर्स। जो मैंने SBI का मार्केट रेट पे बाय किया था 192.60 पे, उसको पैरेंट ऑर्डर हम कहेंगे, फर्स्ट लेग उसे कहेंगे। और जो मैंने उसका एक स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाया था, अगर आपको याद रहेगा 190.190 पे ट्रिगर प्राइस मैंने लगा के रखा था, तो वो हो गया मेरा चाइल्ड ऑर्डर। ये हमने इंडिविजुअल ऑर्डर अलग अलग ऑर्डर प्लेस किया था, बट जब आप इसे ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करोगे तो इसे कहते हैं पैरेंट ऑर्डर और चाइल्ड ऑर्डर। तो आप इसे कैसे प्लेस करते हैं मैं आपको बताऊंगा। SBI अगेन बाय, और मैं यहाँ पे इंट्राडे के लिए मैं ये यूज, बेसिकली ब्रैकेट ऑर्डर्स इंट्राडे ट्रेडर्स ज़्यादा यूज करते हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा। तो SBI का मुझे लेट्स से 10 क्वांटिटी बाय करना है, मार्केट रेट पे बाय करना है, जो भी अभी रेट चला है 190-150 चल रहा है, और मुझे इसका स्टॉप लॉस डालना है 190। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस दिया गया है, बुक प्रॉफिट प्राइस भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे मुझे बुक प्रॉफिट डालना है लेट्स से 195, ये ऑप्शनल है बुक प्रॉफिट, बट स्टॉप लॉस तो यहाँ पे कंपलसरी आपको डालना होगा MIS प्लस अगर आपने प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट किया है। तो ब्रैकेट ऑर्डर का खासियत ये है कि एक तो आपने पहला मार्केट ऑर्डर पे बाय करने का एक ऑर्डर डाल दिया है, उसके साथ साथ आपने स्टॉप लॉस ऑर्डर भी और बुक प्रॉफिट ऑर्डर भी डाल दिया। पहले मैंने क्या किया था, एक नॉर्मल बाय किया था मार्केट पे और उसके बाद उसका सेल ऑर्डर लगाया था स्टॉप लॉस वाला, उसको आप प्रॉफिट वाला ऑर्डर भी लगा सकते हो, 195-200 जो भी रेट पे आपको डालना है वो रेट भी आप डाल के वो प्रॉफिट ऑर्डर भी लगा सकते हो और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो मैंने दो अलग अलग ऑर्डर प्लेस किए थे। ब्रैकेट ऑर्डर में मैं एक ही ऑर्डर में सब कुछ एक साथ डाल रहा हूँ, यानी कि एंट्री भी डाल दिया मैंने, जिसे फर्स्ट लेग जिसे हम कहते हैं पेरेंट ऑर्डर, उसके साथ साथ मैंने सेकेंड लेग जिसे कहते हैं चाइल्ड ऑर्डर, यानी कि स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट प्राइस दोनों डाल दिया। इसके साथ साथ आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कर सकते हो, आपको ट्रेल करना है स्टॉप लॉस तो आप वो भी कर सकते हो। और जैसे ही आपने ये प्लेस कर दिया ऑर्डर, तो ऑर्डर बुक में जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि SBI का 10 क्वांटिटी एग्जीक्यूट हो चुका है, और स्टेटस में आप देख सकते हो नीचे
सीपी लिखा हुआ यानी कि चाइल्ड पेंडिंग, यानी कि आपने जो ब्रैकेट ऑर्डर लगाया है, जो सेकेंड ऑर्डर लगाया है आपका स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट, वो अभी पेंडिंग है क्योंकि अभी मार्केट अभी वो रेट आया नहीं है। जैसे ही वो रेट आएगा तो ये चाइल्ड पेंडिंग चेंज हो जाएगा चाइल्ड एग्जीक्यूटेड, जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है। वापस मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं वापस इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इसमें एक और एक एडवांटेज है जो मैं आपको अभी बताना चाहूंगा। अब वापस मैं MS 10 शेयर्स बाय कर रहा हूं, 189 का स्टॉप लॉस, बुक प्रॉफिट 200 और मार्केट रेट पे डाल रहा हूं। तो ये और एक मैंने 10 शेयर्स बाय कर लिए, तो ये मैंने अभी दो अलग अलग स्टॉप लॉस ऑर्डर रखा है, दो अलग अलग बाय है मेरे है। एक 190.95 पे बाय हुआ है, एक 191.30 पे बाय हुआ है, और दोनों ऑर्डर का अलग अलग स्टॉप लॉस और अलग अलग टारगेट प्लेस किया है। अब मुझे अगर इसे स्क्वेयर ऑफ करना है, मुझे अगर इसे बेच देना है, मान लीजिए ये 190 का हो गया 193 या 192, मैंने 191 पे बाय हुआ है, मेरा 192 हो गया, मुझे बेचना है, तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर बुक में ही आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो, यानी कि आप स्टॉप लॉस जो है उसको मार्केट प्राइस लेके आ जाइए, या बुक प्रॉफिट को आप 192 कर दीजिए, तो आपका वो पेंडिंग ऑर्डर चला जाएगा। अगर मुझे ये मार्केट पे बेचना है, मान लीजिए कुछ तो न्यूज़ आ गया और सडनली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अभी ये स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा गिरेगा और मुझे स्क्वायर ऑफ कर देना है, मुझे बुक कर देना है, तो नॉर्मल स्क्वायर ऑफ जो सिंगल ऑर्डर मैंने आपको पहले बताया था कि एक मैंने सिंगल SBI बाय किया था और उसको मैंने एक सिंगल अलग से एक सेल ऑर्डर रखा था, राइट। अब ब्रैकेट ऑर्डर्स स्पेशली MS प्लस के अगर कुछ ऑर्डर्स आपने प्लेस किए हैं तो उसको आप स्क्वायर ऑफ कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो SBI के दो ऑर्डर्स मेरे पेंडिंग है, चाइल्ड जिसके दोनों चाइल्ड ऑर्डर पेंडिंग है, तो अगर मुझे ये स्क्वायर ऑफ करना है मार्केट पे तो मुझे ये क्या करना होगा, तो मैं पोजिशन पे जाऊँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं SBI ढूंढूंगा। तो आप सर्च करके भी, अगर आपके पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है जिसमें आपने मल्टीपल ट्रेड्स किए हो, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके स्क्रिप्ट्स है, तो आप डायरेक्टली सर्च करके SBI भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मुझे दिख गया SBI MS प्लस में 20 क्वांटिटी है और अब ये 6 रुपया 5 रुपया वट एवर प्रॉफिट चल रहा है और मुझे इसे स्क्वायर ऑफ करना है। रिमेंबर मैंने दो अलग अलग ऑर्डर प्लेस किया था MS प्लस में SBI का, एक 10 क्वांटिटी का बाय था, 10 क्वांटिटी का दूसरा भी बाय था और दोनों का अलग अलग स्टॉप लॉस प्लेस किया है। अब मुझे अगर ये स्क्वायर ऑफ करना है तो या तो वो ऑर्डर जो मैंने प्लेस किया है उसको मैं मॉडिफाई करूं या फिर मैं नेट पोजीशन से जाके इसे स्क्वायर ऑफ करूं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, यहाँ पे मैंने टैप किया, स्क्वायर ऑफ पे टैप किया, यहाँ पे आपको दोनों ऑर्डर्स दिख गए जो आपके पेंडिंग है, स्टॉप लॉस ऑर्डर पेरेंट चाइल्ड ऑर्डर जो आपके पेंडिंग है वो आपको दोनों दिख गए, दोनों सिलेक्ट कीजिए, स्क्वायर ऑफ एट मार्केट कीजिए, ये पॉपअप पे कंफर्मेशन दे दीजिए और आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। आप देख सकते हो SBI मेरा MS प्लस में 0 क्वांटिटी दिखा रहा है और 1.5 रुपये का प्रॉफिट, और जो मेरा ऑर्डर था अब आप देख सकते हो यहाँ पे CE लिख के आया, यानी कि चाइल्ड एग्जीक्यूट हो चुका है। तो मुझे दोनों ऑर्डर को अलग अलग जाके मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये स्पेशली MS प्लस ब्रैकेट ऑर्डर्स के लिए है। यहाँ पे डायरेक्टली पोजीशन से जाके मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। सो ये वीडियो में हमने जाना कि अगर स्टॉक का भाव 100 रुपया चल रहा है और अगर मुझे मार्केट रेट पे लेना है या बेचना है तो मैं मार्केट रेट सिलेक्ट करूंगा, और अगर मुझे लिमिट ऑर्डर रखना है, जैसे 100 रुपया चल रहा है मुझे 95 पे बाय करना है या 105 पे बेचना है, तो मैं लिमिट लगाऊंगा 95 पे बाय का और 105 पे सेल का, जो मुझे चॉइस है। फिर हमने जाना कि स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट क्या होता है। 100 रुपये पे चल रहा है बट मुझे बाय करना है 105 पे या सेल करना है 95 पे, तो मैं स्टॉप लॉस मार्केट स्टॉप लॉस लिमिट का यूज़ करूँगा, जहाँ पे ट्रिगर प्राइस इज़ द इम्पॉर्टेंट प्राइस। ट्रिगर प्राइस सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो भी आपने ट्रिगर प्राइस रखा है, जैसे सपोज मान लीजिए मुझे ये 105 पे बाय करना है तो ट्रिगर प्राइस रखूँगा 105, जैसे 105 आया ये ऑर्डर ट्रिगर होगा। वही अगर ऑपोजिट सेल का है, अगर 95 पे मुझे सेल करना है या शॉर्ट करना है तो ट्रिगर प्राइस में रखूंगा 95 का, जैसे ही वो 95 आ गया ऑर्डर मेरा ट्रिगर हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि अगर ऑर्डर्स को स्क्वायर ऑफ करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो अगर आपने नॉर्मल ऑर्डर प्लेस किया है तो आप पोजिशन रिपोर्ट में जाके आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, या तो आप मार्केट पे स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, या आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, या आप ट्रिगर प्राइस लगा सकते हो वहाँ पे भी।
जैसे हमने एग्जांपल लिया था SBI का, मेरा SBI बाय हुआ था 192 पे और मैंने उसको स्टॉप लॉस लगाया था, फ्रेश ऑर्डर मैंने सेपरेट ऑर्डर डाला था ट्रिगर प्राइस का 190 का। उसके बाद आप माई GTT ऑर्डर्स भी डाल सकते हो। अब ये मैंने 190 पे बाय रखा है, हो सकता है आज ये एग्जीक्यूट ही ना हो, नॉर्मल बाय ऑर्डर जो मैंने रखा था आज हो सकता है कि ये एग्जीक्यूट ही ना हो। तो माई GTD ऑर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ पे आपको एक महीने तक का टाइम दिया गया है, एक महीने में अगर 190 आया तो ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं आया तो एक महीने के बाद ये ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा। आपको डेली ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप डेफिनेटली ये ऑर्डर को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो, और आपको एक महीना नहीं आपको 10 दिन के लिए ऑर्डर रखना है तो वो भी आप डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा था ब्रैकेट ऑर्डर्स। तो ब्रैकेट ऑर्डर्स का स्पेशलिटी क्या है कि एक ही साथ आप एंट्री ऑर्डर प्लेस कर रहे हो जिसे पेरेंट कहते हैं, यानी कि 100 रुपये पे बाय, आप स्टॉप लॉस भी लगा रहे हो, टारगेट भी लगा रहे हो, यानी कि चाइल्ड ऑर्डर। और हमने ये भी देखा था कि अगर आपने दो अलग अलग MIS प्लस ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस किए हैं तो एक साथ उसे स्क्वायर ऑफ करना भी कितना ईजी हो जाता है पोजिशन रिपोर्ट में जाके। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.